बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट हाँ मैं ये बोल रहा था स्ट्राइक फिलोसोफी करके एक चीज़ है जहाँ पर आप मानो ये चीज़ आपने भी ये चीज़ कहीं तो आपके कोर्स में आई थिंक सो मैंने देखा था वो बोला था ना आपने क्या दुनिया तो बुरी है है Expect, ही का आपने आपने वो 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 बताया बताया ना ना चीज़ शेयर बहुत थी कि वाला ग्राफ था से मिल रही बेसिकली मैं एक गिफ्ट की तरह देता हूँ अपने पार्टिसिपेंट को कि जीवन में अगर आपको चाहते हैं कि फॉर्मूला है मैं अपने दर्शकों को देता हूँ पर इसका जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने हो सकता है कि आप मुझसे लड़ भी पड़े जीवन में याद रखेगा एक लाइफ चलती है हमारी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है हाँ। मान लेते हैं मैंने आपके यहाँ नौकरी करी आपने सात तारीख को मुझे तनख्वाह दे दी हाँ। ये नॉर्मल है इसमें ना तो मुझे कोई हाई मिल रहा ना हाँ। लो मिल रहा ठीक हाँ। है ना मैंने मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया मैंने अपनी बाइक या कार खड़ी करी हाँ। खाने के बाद मैंने अपनी कार देखा वहीं खड़ी है तो इसमें कुछ ना तो हाई मिला और ना लो मिला मैं मैंने आपने मुझे पैसे दिए उधार और मैंने आपके लौटा दिए ना तो आपको हाई मिला ना लो मिला तो ये एक नॉर्मल स्थिति है जहाँ पर हमें कोई भी हॉर्मोन पॉजिटिव नहीं निकलता और ना निगेटिव निकलता तो ये जीरो लेवल है यहाँ पर बोरियत आने लगती है अब मैं दूसरी चीज़ लेता हूँ अब नॉर्मल कि आप खाना खा के बाहर निकले और वहाँ पर गए पार्किंग में और आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आप कहेंगे इट इज़ अनएक्सपेक्टेड लेकिन ये नेगेटिव वाली है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कार के पास गए और देखा तो वहां एक आदमी खड़ा है बीएमडब्ल्यू वाला हाँ। वो कहता सर ये कार आपकी आपने कहा हाँ जी के सर हमने एक वो लॉटरी निकाली थी जिसकी ये कार होगी उसे एक कार मिलेगी हाँ। सत्तर लाख वाली हाँ। नया मॉडल हाँ। आपने कहा इट इज अनएक्सपेक्टेड हाँ। तो ये पॉजिटिव वन है हाँ। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है हाँ। अब गड़बड़ी होगी कि आम आदमी की लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेक्टेड तो हो नहीं रहा अनएक्सपेक्टेड हाँ। हाँ। बराबर भाई आपको कहीं पड़े हुए बीस लाख नहीं मिले बीस करोड़ रुपए नहीं मिले कोई दूर के नाना नहीं आए उन्होंने कहा जिशांत साहब जाइए आप अरे मैं तो जा रहा हूँ I mean, आई मीन अपना अपने धर्म में या मजहब की सेवा करने तुम डेढ़ करोड़ मेरे कमा लो आई मीन यूज करो ठीक है ना ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको किसी हीरो हीरोइन हाँ, ने कहा कि अगली मूवी में आप आएंगे तो ये तो जो पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड है तो आपकी लाइफ में होनी रहे और आपके पास अब दो चीज़ें रहेगी एक तो नॉर्मल जहाँ पर आपको बोरियत है और एक नेगेटिव जहाँ पर आपका कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है तो फिर लाइफ कहाँ रही तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जो नॉर्मल चल रही है यही आप अनएक्सपेक्टेड मानो कि आपने किसी को पैसा उधार दिया और उसने लौटा दिया तो इसे कहो इट इज़ अनएक्सपेक्टेड लेटेस्ट डांस और उसने आपने पैसा उससे मांग दिया सारा पैसा घर का और आज आप कह रहे कि भाई मेरे बच्चे की फीस जानी है अब मेरा पैसा लौटाओ उसने कह दिया मैं देता ही नहीं आपका पैसा तो अब झटका खा गए आप तो झटका खाने के बाद एक सेकंड में एकदम से कहो यही एक्सपेक्टेड था पैसे तो अभी भी आपको करने ही है अपने बच्चे की फीस के लिए राइट बट यही एक्सपेक्टेड था राइट समझ गए हाँ। तो मैं कई बार लोगों से हंस के कहता हूँ कि आज शाम को जब घर जाओगे अपनी वाइफ से अगर वाइफ ने चाय बना दी तो पहले तो डांस करना अनएक्सपेक्टेड है।, है और आपने कहा भाई चाय बनाओ नो वाइफ ने कहा अपने आप बना लो कपड़े भी अपने आप धोना कल से तो धीरे से मुस्कुराना वर्मा जी को याद करना राम वर्मा को और कहना यही एक्सपेक्टेड था तुम्हें पंद्रह साल लेट हो गई ठीक है ना जेब कट गई रस्ते में इट इज अनएक्सपेक्टेड कोई बात नहीं यही एक्सपेक्टेड था देखते हैं किससे पैसे लें ठीक है ना और नहीं कटी है। आपने मेट्रो में ट्रेवल किया और जेब नहीं कटी तो यही अनएक्सपेक्टेड डांस करो बस राइट तो जीवन में याद रखिएगा खुश रहने के लिए बहुत बड़े कारण ढूंढोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी हंसने के लिए एंडोल्फिन रिलीज करने के लिए बड़ी इवेंट की अगर इंतजार कर रहे हो नहीं मिलेगी भाई तो ठीक है ना और वो किसी को भी नहीं मिले राइट कभी ये सोचो कि वो किसी पर्टिकुलर आदमी को मिल रही नहीं जीवन को जीना राइट ये को बहुत प्यारा लगा था ये वाली चीज मेरे दिमाग में रह गई थी और मैं और मेरी वाइफ दोनों देख रहे थे हम लोग बहुत हंसे है इस चीज को लेकर एक्चुअली और ये एक तरीके से आपने पैराडाइम शिफ्ट ला दिया ना एक तरीके से सोच बदल दी लोगों की बिल्कुल और मुझे लगता है आपको करना चाहिए जो नॉर्मल है उसको अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव समझना स्टार्ट करो और जो नेगेटिव है जो कोई होने ही वाला है 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 वो तो, तो एक्सपेक्टेड हो रहा right. सबकी राइट राइट जेब कटती है। किसी किसी के को कटी आई थिंक right. इसके साथ ही आपको ये लेके जाना चाहिए और अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए इस चीजों को लाइफ में अप्लाई करना अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल